अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु स्टूडेंट्स टुडे आई एम नानारा टीचर जस्ट कसलो डिलीवरिंग लेक्चर ऑफ क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द टॉपिक इज अगेन विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। एक लेसन था ये तो तीन टॉपिक्स में पढ़ाना पड़ा द लिटिल बिट ऑफ लक। बाद में ये अपलोड नहीं होता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जब ये जो का जो बेटा जॉन है वो नेकलेस लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले करता है और उससे बोलता है कि क्या इसको कोई रिवॉर्ड है कि जिसने ये ढूंढा। तो वो कहता है कि नहीं कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो जॉन वहाँ से दौड़ के वापस आ जाता है घर। अब आगे पढ़ना है। John went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow, said Joe. John वापस आता है घर और अपने फादर से कहता है कि ऐसे वहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं था उसको कोई इनाम नहीं था। तो ये जो था इसको लगा कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ। The next morning Mr. Jones, Maratha's father, came to visit them. ये next दूसरे दिन सुबह Mr. Jones जिसकी बेटी का नेकलेस था मार्थास फादर है वो मिस्टर जोन्स वो यहाँ आता है इनके घर जो के घर और वहाँ इसकी वाइफ को कहता है गुड मॉर्निंग। ही सेड टू जोस उसको सलाम करता है आई कैम टू थैंक योर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मार्थास नेकलेस। मैं आपके हस्बैंड का शुक्रिया अदा करने आया हूँ उसने मेरी बेटी का हस्बैंड रिटर्न किया। आई वॉन्ट हिम टू वर्क फॉर मी एज ए गार्डनर मैं उसको अपने घर में एज ए गार्डनर बागवान जिसको हम बोलते हैं उसका वो काम देना चाहता हूँ। आई वेंट एन ऑनेस्ट फेलो क्योंकि मुझे एक दयानतदार इंसान की ज़रूरत है। माई ओल्ड गार्डनर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट जो पुराना गार्डनर था मेरा वो बददियानत था। प्लीज़ आस्क हिम टू कम एंड सी मी उसको कहना कि हमारे घर आए मैं आपसे बात करना चाहूँ। जो वेंट टू सी हिम द नेक्स्ट डे जो दूसरे दिन उसके घर चला जाता है। मिस्टर जोन्स लाइक जो एंड गेव हिम द जॉब मिस्टर जोन्स जो को पसंद करता है और उसको नौकरी पे रखता है। बोथ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स वेरी काइंड एंड फ्रेंडली ये जो दोनों मियां बीवी थे मिस्टर एंड मिसेस जोन्स ये बहुत ही अच्छे नेचर के थे और फ्रेंडली दोस्ताना ताल्लुकात की तरह मतलब अच्छे तरह से बात कर रहे थे बहुत ही अच्छे किरदार के इंसान थे। जो वॉज ऑल स्माइल्स व्हेन ही रिटर्न होम जब भी वो घर आता था खुशी खुशी अपने घर आता आई हैव गॉट एन एक्सलेंट जॉब और अपनी वाइफ से कहता था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है एंड माई फर्स्ट वीक्स वेजेस इज एडवांस उन्होंने मुझे पहले हफ्ते की तनख्वाह एडवांस में दी तो मैंने बेटे के लिए बूट्स लाए फ्रॉक लाया बेटी के लिए और आपके लिए भी एक ड्रेस लाया। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड मैं बहुत ही किस्मत वाला इंसान हूँ पूरी दुनिया में एंड आई थिंक दैट अ मेयर नेकलेस डिड ऑल दिस और सब कुछ अपनी वाइफ से कहते हैं कि सिर्फ इस नेकलेस की वजह से हुआ बट नो दैट इज़ रॉन्ग जो वाइफ वापस कहती हैं कि नहीं ये गलत है इट वॉजेंट अ नेकलेस दैट डिड इट ये नेकलेस की वजह से नहीं हुआ इट वॉज़ योर ऑनेस्टी ये आपकी दयानतदारी की वजह से हुआ इन टेकिंग टू बैक व्हेन यू आर थॉट इट वाज वर्थ 100 pounds जब आपने ये सोचा था कि मैं इसको भेजूंगा और उसमें इसमें मुझे 100 pounds मिलेंगे लेकिन फिर आपको याद आया कि नहीं ये मेरा नहीं है ये किसी और का है तो मैं चोर नहीं हूँ फिर आपने ये वापस किया। यू हैव चेंज्ड अवर लक आपने हमारी किस्मत बदली जो यू हैव हाँ शी वॉज राइट फिर जो सोचता है कि नहीं मेरी वाइफ जो है वो सच बोलती है देयर लक टर्न इट फ्रॉम दैट एवरी डे उसी दिन से हमारी किस्मत बदल गई है। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन होप कि आपने अच्छे से समझा होगा तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।